20:12 के ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया में स्थापना के काम आएगा? जवाब, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिसमें एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ बल ज्ञान ना भी ले, लेकिन वहाँ ये हुनर साथ ले जाएंगे। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, तुम्हें पता है इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया में देखने में आता है वह सब खत्म होने वाला है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, ओम शांति। मेन पॉइंट्स, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी बुद्धि में बहुत ख्यालात चलते हैं कि भारत जो है अविनाशी खंड है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम वॉरियर्स भी हैं, यहाँ पर हम बहुत अच्छे होशियार बनते हैं, स्वयं सिखाने वाला शिव बाबा है, फिर भविष्य में जाकर के बहुत मीठे फूल बन जाएंगे, ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानता, इसलिए तुमको ज़्यादा खुशी होती है। बाबा कहते बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहे, रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता, इसी को ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाकी इस दुनिया में तो लड़ाई झगड़ा बहुत है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो, यह कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं, अभी ये तो हो नहीं सकता कि सबकी एक जैसी देवताई ही मत हो जाए। भले कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते तो कुछ नहीं है जब तक शिव बाबा ना समझाए। बाकी तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य भी प्राप्त कर रहे हो। वह योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते हैं। तुम्हारा योग तो एक बाबा से है, ऊंचे से ऊंचा बाप कौन यह सब तुम जानते हो। बाकी तो आसुरी संप्रदाय तुच्छ बुद्धि रावण के मुरीद हैं, तुम सब तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते बच्चे अब तुम मेले प्रदर्शनी द्वारा औरों को भी समझाओ, कोई कोई तो देखो यहाँ 4-5 मास आते समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति भी समझते हैं। बाबा कहते बच्चे यहाँ कोटों में कोई कोयों में कोई ही निकलते हैं, 7-8 दिन आकर के भी गुम हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी संभाल करनी है। याद रखो मुझे सतो प्रधान बनना है, बस यही चिंता लगी रहे। इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है, जैसे कहते ईश्वर की गतमत न्यारी तो तुम्हारी गतमत भी न्यारी है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी समझाई बात कि जितना सिमरन करते हैं उतना खुशी रहती है। तुम स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं होंगे। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है, मुख्य तो 8 ही निकलते हैं, फिर 108 16,108 भी होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रहे सतो प्रधान बनना है, सदा यही खुशी रहे हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे से ऊंचा बाप है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुन करके विचार सागर मंथन करना है। वरदान है आज का, निर्विकारी व परिष्ठे स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा से भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्व की आकर्षण आकर्षित नहीं करती वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। आज का स्वमान रहेगा मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। आज सारा दिन आत्म अभिमानी बनने की
प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ओम शांति।